स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स. क्या कह रहे हैं डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन कह सकते हो आप. तो सब्ट्रैक्शन कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो रेशनल नंबर्स. दो रेशनल नंबर्स मतलब फर्स्ट रेशनल नंबर यहाँ होगा और सेकेंड रेशनल नंबर इस तरह से होगा. तो फर्स्ट और सेकेंड क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं. और वो रैशनल नंबर का डिफरेंस, दोनों रैशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या है? 1:1/2. तो डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज 1:1/2. डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? 1:1/2. अब नेक्स्ट स्लाइड में दिया है कि इफ स्मॉलर नंबर इज 2:3/4. तो स्मॉलर नंबर आपको दिया है 2:3/4. तो स्मॉलर जब आप डिफरेंस करते हो तो आप कैसे करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो. 7-4 लाइक दिस करते हो. तो फर्स्ट जो आगे वाला होता है वो लार्जर होता है नंबर और नेक्स्ट वाला क्या होता है? स्मॉलर. तो नेक्स्ट वाला इट मींस स्मॉलर नंबर दिया है, इट मींस आपको सेकंड वाला सब्ट्रैक्शन के इस सब्ट्रैक्शन साइन के पीछे वाला आपको रैशनल नंबर गिवन है, राइट? तो आपको फर्स्ट रैशनल नंबर हमें अभी नहीं पता कौन सा गिवन है, दिस वन. और अब आपको क्या निकालना है? ये जो अननोन वैल्यू है ये आपको फिगर आउट करनी है कि ये क्या होगा. तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? देखिए, लेट अदर, जो हमें नहीं पता उसको हम एक्स ले सकते हैं यहां पर, ठीक है. एंड स्मॉलर नंबर इज गिवन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, डिफरेंस यानी लार्जर माइनस स्मॉलर, इसकी वैल्यू कितनी है? 1:1/2 ये वैल्यू है. तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लें. 4 2 8, 8 + 3 11. इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं. ये जो वैल्यूज होती है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है और ये क्या होती है? ऐड होती है. तो 4 2 8 + 3. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. तो यहां पर भी हम यही करेंगे. 2 1 2 + 1 2 + 1 3. तो 3/2. अब जो वैल्यू आपको चाहिए, एक्स आपको चाहिए, तो कीप दिस वैल्यू इन द सेम प्लेस, सेम साइड. किस साइड है ये? लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड ही रखा. अब जो ये आपका 11/4 है, ये 11/4 इस साइड दूसरी साइड ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा? ये वैल्यू अब आपकी माइनस में है तो क्या हो जाएगी वैल्यू? प्लस में, राइट? ये वैल्यू किस में हो जाएगी अब आपकी? प्लस में. अब आप हम इसको सॉल्व करेंगे. अब आगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे. अब दो रेशनल नंबर्स का एडिशन कैसे निकालते हैं? दो नंबर का जो एडिशन होता है रेशनल नंबर्स का, उसके लिए हमें क्या लेना होता है? यहां पर एलसीएम. तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 1 2 2 2 4 1. तो 2 2 4, 2 × 2 4. तो आपका आया रैशनल नंबर, इसका एलसीएम 4. अब फर्स्ट रैशनल नंबर सॉल्व करेंगे. 4 / 2, यहां 2 है तो रिजल्ट आएगा 2. अब यही 2 आपका ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो यहां से आया 6 रिजल्ट. सेम वे अब सेकंड रैशनल नंबर सॉल्व करेंगे. अब यहां है प्लस बीच में साइन, तो एलसीएम और डिनोमिनेटर यहां डिवाइड होंगे 1. अब जो ये 1 रिजल्ट आएगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 11. तो 11, तो इस तरह से हम अब इसको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/4. तो दिस विल बी द योर आंसर. तो इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है.